रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बखैर वाफियत होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ स्ट्रीट स्टाइल चना चाट। तो देखते हैं किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है इसमें हमें। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक बाउल भर करके चने हैं बॉयल किए हुए, 3 मीडियम साइज़ के पोटेटोज़ हैं बॉयल करके, और यहाँ पर मेरे पास कॉर्नफ्लोर है 1 टेबल स्पून, पानी के साथ का पेस्ट बनाया हुआ था, और यहाँ पर इमली का पेस्ट है, ये 1 टेबल स्पून मेरे पास चाट मसाला है, और यहाँ पर अनियन है एक मीडियम साइज़ का, 1 कप पानी इस्तेमाल होगा, 3 ग्रीन चिलीज़ हैं जिसे मैंने कट कर लिया हुआ है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून मिर्ची, 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च, और ये 1/2 टीस्पून मेरे पास है ज़ीरा। तमाम मसालों को मैंने पानी में ऐड कर दिया हुआ है। अब पानी पकने तक इनको इसी तरीके से हमने चूल्हे पर स्टेयर करना है। पानी जो पकेगा तो मसाले जो हैं वो पकना शुरू हो जाएंगे, और जब मसाले पकना शुरू हो जाएंगे तो हम इसके अंदर अपनी वाइट चने जो हैं वो ऐड कर देंगे। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो स्पाइसेस हैं वो चनों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। ये एक न्यू स्टाइल की चाट है, तो आप इसको ज़रूर घर में बनाइएगा। ये बहुत यमी बनकर तैयार होती है, एक नया ही फ्लेवर है ये। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर करके इमली का पेस्ट डाला है और ग्रीन चिलीज ऐड की हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो इमली है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, और अभी जो थोड़ा थोड़ा पानी रहता है उसके अंदर इमली को अच्छे से मिक्स कर लेना है हमने। और इस चाट के अंदर हम अब डालेंगे कॉर्नफ्लावर, जो कि 1 टेबल स्पून मैंने लिया था, और 1 टेबल स्पून पानी के साथ उसका अच्छे से पेस्ट बना लिया था। अब आप देखें कि जैसे ही मैंने पानी और कॉर्नफ्लावर का जो ये मिक्सचर है ये ऐड किया है, तो जो हमारा पानी था चाट का वो थिक होना शुरू हो गया है, और ये जो थिकनेस है इस पानी की एक नया फ्लेवर ऐड करती है इस चाट में। और स्ट्रीट्स में जो चाट्स मिलती हैं वो इसी तरीके से बनाई जाती हैं। अब इसके अंदर बॉयल पोटैटोस, अनियंस और चाट मसाला जो है वो मैं ऐड कर दूंगी, और इन्हें अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो मसाले ऐड किए हैं वो अच्छे से यकजान हो जाएं, और इसका जो फ्लेवर है हमारी चाट का वो इन्हेंस कर जाए चाट मसाले की मदद से। ये बहुत मज़े की बनकर के तैयार हुई थी। आप इसे अब जितने भी रोज़े रह गए हैं इसमें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रोज़ों के बाद भी अब इसे ट्राई कीजिएगा। इट वाज अमेजिंग। चाट जो है वो हमारी डन है, तो अब मैं इसे सर्व करती हूँ और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल आउटपुट दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, चाट तैयार है। इसे आप अपनी फेवरेट सर्विंग्स के साथ सर्व कीजिए और मज़े उड़ाइए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई अच्छी रेसिपी के साथ एक नए दिन में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।